सब्सक्राइब करें गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल का आइकन और उसे सेलेक्ट करें ऑल पे ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। तो आज हम बात करेंगे किचन गार्निंग पे। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपने किचन से जुलाई के महीने में मैंने कुछ सीड लगाए थे टमाटर से, तो देखिए उसी का रिजल्ट है ये। अब हमारे प्लांट पे कई बार फ्रूटिंग हो चुकी है, पर जो सर्दियों के समय टमाटर जो रहते हैं वो हरे रंग के रहते हैं, वो पक नहीं पाते हैं क्योंकि टमाटर को पकने के लिए हीटनेस ज़रूरी होती है। तो इस समय देखिए हीटनेस अच्छी मिल रही है, तो हमारे जो टमाटर हैं वो पौधे पे ही पकने लगते हैं। तो आज मैं इनको हार्वेस्ट करूँगा, तो आप वीडियो देखते रहिए। तो देखिए ये है देसी वेराइटी है, तो मैंने जो इनके सीडलिंग की थी वो घर के टमाटर जो देसी थे उन्हीं की मैंने सीडलिंग की थी। तो देखिए ये दो कच्चे टूट गए हमारे से, और बाकी कोई नहीं, वो कुछ दिनों के बाद वो भी पक जाएंगे। तो हम सारे टमाटर जो है जो हमारे पकने लग गए हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं, और कच्चे टमाटर हम लगे रहने देंगे, कुछ ही दिनों में ये कच्चे भी पक जाएंगे। तो ये कहते हैं ये है घर के ऑर्गेनिक, इसमें कोई केमिकल नहीं है, एकदम ऑर्गेनिक है। तो आप भी घर में कुछ नहीं तो छोटे छोटे से पोट में आप ज़रूर किचन गार्डनिंग करें। तो ये देखिए इसमें भी हमारे कई टमाटर लगे हुए हैं, तो हम इन्हें भी तोड़ लेते हैं। तो लगभग हमारे किचन के लिए तो हो गया है, इतने टमाटर बहुत है। तो आप भी इसमें कोई मार्केट से आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने घर में जाइए और रसोई में जो टमाटर रखे हो बस आप उनमें से काटिए एक टमाटर पका हुआ और मिट्टी पर डाल दें, कुछ दिनों बाद छोटे छोटे से पौधे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों फाइनल हमने अपने सभी प्लांटों से तोड़ लिए हैं। अब देखिए ये जो कच्चे टमाटर लगे हुए हैं ये कुछ दिनों बाद पकेंगे, तो हम इसे इसी में छोड़ देंगे। और कुछ प्लांट पे तो फ्लावरिंग भी हो रही है, तो देखते हैं कब तक ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग में होती है। तो दोस्तों आपको मेरा अगर चैनल अच्छा लगता हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही कीजिए किचन गार्डनिंग, आप चाहें तो किसी भी चीज़ की सीडलिंग करें, पर आपको ये याद रखना है ये बहुत गर्मियों में नहीं ये काम करना है। देखिए मैंने कुछ दिन पहले भी छोटे छोटे मैंने प्लांट देखिए इसमें लगाए हैं टमाटर के। तो ये देखिए ये भी अभी दो महीने तक ये फ्लावरिंग पे आ जाएंगे और फ्रूटिंग देने लगेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।